आप सुन रहे थे उन्होंने क्या कुछ कहा, आखिर सरकार उनकी बनती है मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, तो आखिर क्या कुछ वो करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे और जबलपुर की बात करेंगे। बैठक खत्म हो चुकी है, संभागीय पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक हो रही थी, संभागीय पदाधिकारियों के साथ अमित शाह ने एक घंटे बैठक ली है। संभागीय कार्यालय से रवाना हो चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह। अमित शाह की बैठक में शामिल हुए धीरज पटेरिया, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, मुलाकात करके रवाना हो गए। संभागीय पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक चल रही थी, काफी देर तक यह बैठक चली, लगभग एक घंटा यह बैठक चली और बैठक खत्म हो चुकी है। खास ये बैठक रही, बेहद खास ये बैठक अमित शाह के साथ संभागीय पदाधिकारियों की। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर की बात करते हैं, थोड़ी देर में छिंदवाड़ा पहुंचने वाले हैं अमित शाह, कमलनाथ के गढ़ में छिंदवाड़ा में पहुंचने वाले हैं अमित शाह। कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह किलाबंदी करेंगे, जुनारदेव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो कमलनाथ के गढ़ में चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन इसे कह सकते हैं। कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह पहुंचने वाले हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जुनारदेव में जनसभा करने जा रहे हैं कमलनाथ के गढ़, छिंदवाड़ा में अमित शाह पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर। चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर दौरे पर आ रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में 3 दिन रहेंगे, यहां पर वो 10 संभागों की अलग अलग बैठक लेंगे। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भोपाल प्रदेश कार्यालय में बैठक होने जा रही है, जिसमें भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की 36 विधानसभा सीटों को लेकर वो मंथन करेंगे। यहां पर संभागीय कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। तो अमित शाह पूरा 3 दिन के दौरे में सभी 230 विधानसभा सीट को लेकर समीक्षा करेंगे, मैदानी रणनीति को अंजाम देंगे। चुनाव के पहले शाह का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 3 दिन में वो सभी 230 विधानसभा सीट पर मंथन करेंगे और कार्यकर्ताओं को वो टिप्स देंगे जिससे कि मिशन 2023 को जीता जा सके और एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो अमित शाह का यह दौरा बेहद ही खास, छिंदवाड़ा में पहुंचने वाले हैं, मिशन चुनावी मिशन पर जो है अमित शाह हैं और कमलनाथ के गढ़ में डेरा डालने जा रहे हैं, वहां पर जनसभा करेंगे। चुनावी रण में अमित शाह आ चुके हैं, लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा है और इसी बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अमित शाह पहुंचने वाले हैं, कमलनाथ के घर में पहुंचने वाले हैं। कुछ समय और लगेगा, कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव नजदीक है और इसे देखते हुए जनसभाओं का दौर लगातार जारी है और इसी बीच ये बड़ा दौरा हम मान सकते हैं अमित शाह का। अमित शाह 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इसी बीच आपको बता दें अब छिंदवाड़ा कुछ ही देर में जाने वाले हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ बैठक भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, दिग्गजों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। और आखिर कितना ये खास दौरा है अमित शाह का, जानेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, खास ये दौरा, 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं अमित शाह और अब छिंदवाड़ा जाने वाले हैं, कमलनाथ के गढ़ में जनसभा करेंगे, इसे हम शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं।
देखिए बिल्कुल चुनावी महासंग्राम के हिसाब से अमित शाह का 3 दिन का दौरा सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको एक व्यापक रणनीति बनाकर रूप दिया जाएगा। आप देखिए कि सबसे पहले अमित शाह वहां जा रहे हैं जहां कमलनाथ का गढ़ है। सबसे पहले जुनार देव में एक बड़ी सभा होने जा रही है। निश्चित ही कांग्रेस को कमलनाथ को घेरने के लिए भाजपा ने एक बड़ी रणनीति पहले से बनाई थी, उस पर लंबे समय से काम किया जा रहा था। और अमित शाह आचार संहिता लगने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सभा उसी छिंदवाड़ा में ले रहे हैं जो कि कमलनाथ का गढ़ है। उसके बाद की बात करें तो वो उसके बाद भोपाल पहुंचेंगे। यहां पर भोपाल और नर्मदापुरम की जो 36 विधानसभा सीट आती वहां पर के लिए महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। ये मध्य भारत भाजपा का बड़ा गढ़ माना जाता है। उसके बाद देखिए धार्मिक, उसके बाद कल जब अमित शाह यहां से रवाना होंगे तो फिर उनकी सभा उज्जैन में उनका महत्वपूर्ण दौरा है। महाकाल के दर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं यहां धर्म भी प्रमुख है। उसके बाद कल की भी उनकी बैठकें हैं जो इंदौर जाना है, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, तो पूरे 10 संभागों को लेकर वो रणनीति बनाकर आए हैं। और हर उन संभागीय नेताओं को बुलाया जो कि चुनावी मैनेजमेंट में लगे हैं, उन सभी नेताओं को बुलाया गया है। उनके साथ उस व्यू रचना को बनाया जाएगा ताकि ठीक लौटेंगे आपके पास। जबलपुर में भी उनकी जनसभा हुई है, बैठक हुई है, कितनी खास ये रही है? पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कितनी खास ये बैठक हुई है? अमित शाह ने बैठक ली है पदाधिकारियों के साथ, क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल ऋतु, अगर जबलपुर की बात करें तो अमित शाह और तमाम स्टार प्रचारकों का जबलपुर में आना तो पहले से तय था, लेकिन बीते दिनों जिस तरह की परिस्थितियां जबलपुर में बनी, उत्तर मध्य विधानसभा से अभिलाष पांडे को जब टिकट दिया गया, उसके बाद भाजपा के संभागीय कार्यालय में जो हंगामा हुआ, तब से परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। और अमित शाह का जबलपुर दौरा जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल से जोड़कर देखा जा रहा है। जबलपुर में उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक बैठक ली, जिसमें प्रहलाद पटेल, भूपेन्द्र सिंह और वीडी शर्मा, ये तमाम बड़े चेहरे शामिल थे। और इस दौरान जो है धीरज पटेरिया को भी बैठक में बुलाया गया, उनसे भी अमित शाह ने चर्चा की है। चर्चा किस मुद्दे पर हुई है, क्या क्या बातें उन्होंने आपस में की हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन अन्य जो दूसरे मुद्दे थे कि चुनाव किस तरह से लड़ना है, चुनाव की कैंपेनिंग कैसे होना है, रणनीति क्या रहेगी और पूरे प्रदेश में बीजेपी को जिताना है, उसके लिए केंद्रीय जो संगठन है, नेतृत्व है, वो क्या चाहता है, किस तरह की रणनीति बनाई है, उस सभी विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि पार्टी लाइन में रहकर ही सभी नेता, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता काम करें। बीजेपी का मध्य प्रदेश में जीत कैसे होगी, इस बात को लेकर के सारा मंथन हुआ है। जो भी नाराजगी है उसको भी बात सुनी गई। तो माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं भारत में, उनके तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं, ये सभी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। साथ में उनकी जो मांग थी, जो समस्या थी, जिस विषय को लेकर के वो नाराजगी थी, वो भी अमित शाह सुनकर गए हैं। साथ ही ये आश्वासन देकर गए हैं कि इस पर विचार किया जाएगा, जो भी निर्णय होगा वो पार्टी और संगठन के हित में होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है, जहां आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम भोपाल प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां गृहमंत्री भोपाल और नर्मदापुरम में खास ये बैठक